गणपति बाप्पा मोरिया, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज है अपने बस्ती में, अपने गणेश चतुर्थी में भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया हमने। तो खाना वाना यहाँ पे बनने वाला है मेरा भाई, क्योंकि बाहर तो खाना नहीं बना सकते क्योंकि मौसम खराब है आज, और बाहर में खाना बनाया बारिश आ गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा अपना। इसलिए हमने ये पड़ोसी का रूम लिए अपन ने, और सब सिलेंडर विलेंडर ला कर, ये देखो सिलेंडर, ये बाल्टी, ट्रे, आटा सानने का वो क्या बोलते उसको, धामा, ये सब चीज़ ला लिया अपन ने। तो अभी दो चार सामान और आने के बाकी है। किराना उराना भी आ गया मेरा भाई, लेकिन अपने वो घर पे है, अभी धीरे से लाने वाला है। ये अपने दो बंदे हैं जो बहुत भरोसे के आदमी है, एक शिवाजी और ये एक टक्कू जी, बाकी तो सब ऐसी टाइम पास के लिए है। सबको बोला था कि आज आना है सोमवार को सेवा करने को, लेकिन सेवा करने को पहुंचा नहीं है। मंडली का सबसे बेकार आदमी ये है, क्योंकि ये दिन भर गेम में लगा रहता है, सेवा वो कुछ करता नहीं है। क्या नाम है आपका? ये नैतिक, चेहरा दिखाओ नैतिक सर। किराना उराना तो आ चुका है मेरा भाई। ये एक टिपा तेल है, 60 किलो आटा है, और ये 50 किलो चावल है, 25-25 का दो, और इसमें जो छोटी मोटी सामग्री है वो है, और इसमें बूंदी के लिए बेसन, और ये है अपना क्या बोलते इसको, शक्कर, ये क्या रहता है, ये अपना आटा, 5 किलो आटा जो भक्तों ने अपने तरफ से प्रेम से दिया है। यार नहीं, आज शुभम भैया थोड़ा काम में बिजी है, आज यहाँ खाना बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। शुभम भैया हमारे ये है अबे जो आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, आज आपको हमारे खाने का वो दिखाता हूँ, क्या खाना बना रहे हैं। ये हमारे महाराज जी है, वहाँ हमारी पालक दाल बन रहा है, इसमें आलू भात बन रहा है, और ये हमारे भाई कुछ बोलना चाहते हो?